श्री चैतन्य चरित्र पीयूष भाग 3 संन्यास ग्रहण। श्री कृष्ण के प्रति व्रज गोपियों का तथा उनमें भी विशेष रूप से श्रीमती राधिका जी का अप्राकृत प्रेम ही दिव्य प्रेम की चरम सीमा है। श्री कृष्ण राधिका जी के ऐसे भावों का आस्वादन करने के लिए तथा जगत में उसकी शोभा अर्थात मंजरी भाव का वितरण करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। एक दिन वे अपने को वृंदावन वासिनी गोपकन्या जानकर श्रीमती राधिका जी के उद्देश्य से गोपी गोपी कह रहे थे। उसी समय महाप्रभु के कुछ विद्यार्थी वहां उपस्थित हुए और प्रभु को गोपी नाम का उच्चारण करते देखकर मूर्खतावशतः उनसे कहने लगे, पंडित जी, कलिकाल में कृष्ण नाम ही संसार से उद्धार होने का तारक मंत्र है, परंतु आप उसका परित्याग कर गोपी नाम उच्चारण पूर्वक क्यों विपत्कामी हो रहे हैं? यह सुनकर भावाविष्ट महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण पक्षीय जानकर उनसे कहा, जिसने बिना दोष के ही वानर राज बालिका वध कर दिया, जिसने बलि महाराज का सर्वस्व हरण कर उन्हें पाताल में भेज दिया तथा स्त्रीजित होकर भी एक स्त्री जो उनसे प्रेम की भिक्षा मांग रही थी उसकी नाक काट दी, ऐसे कृष्ण का भजन करने से मेरा क्या कल्याण होगा? ऐसा कहकर महाप्रभु एक छड़ी हाथ में लेकर उन छात्रों को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर वे छात्र भयभीत होकर वहां से भाग गए तथा अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाने लगे कि अब यदि पुनः निमाई ने हम पर आक्रमण की चेष्टा की तो हम सब भी मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। विद्यार्थियों की ऐसी योजना को जानने पर महाप्रभु ने विचार किया कि मैं इस जगत में प्रेम भक्ति प्रदान कर लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, परंतु ये तो मेरे ही विरोधी होते जा रहे हैं। ऐसे आचरण से तो ये और भी घोर नरक में जाएंगे। अतः मैं अब संन्यास वेश धारण करूंगा, जिससे मेरे प्रति एक सन्यासी की बुद्धि रखकर ये मुझे सम्मान देंगे तथा मुझे प्रणाम करेंगे। इस प्रकार इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार कर प्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया तथा एक दिन रात्रि के समय चुपचाप घर से निकलकर अपने कुछ भक्तों के साथ कटवा पहुंच गए। वहां जाकर केशव भारती नामक एक सन्यासी से सन्यास वेश धारण किया। सन्यास के उपरांत प्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। सार्वभौम का उद्धार। सन्यास ग्रहण करने के पश्चात प्रभु श्री गौर सुंदर प्रेम में उन्मत्त होकर वृंदावन की ओर चल दिए, परंतु नित्यानंद प्रभु छल पूर्वक उन्हें शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर ले आए। वहां से वे अपनी माँ श्री शची माता से आज्ञा लेकर कुछ परिकरों के साथ नीलाचल पहुंचे। पुरी से कुछ दूरी पर ही श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड तोड़कर नदी में प्रवाहित कर दिया। इससे श्रीमन महाप्रभु दुखित होकर अकेले ही आगे चल पड़े और श्री मंदिर में उपस्थित हुए। मंदिर में श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर प्रेम आविष्ट होकर वे उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़े, परंतु बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर वहां के पंडे प्रभु को पागल समझकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। उसी समय सौभाग्य से वहां पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी विराजमान थे। वे वहां के राजपुरोहित थे। उन्होंने जब प्रभु के सौंदर्य तथा उनके दिव्य भावों का दर्शन किया तो वे मुक्त हो गए। वे समझ गए कि यह अवश्य ही कोई असाधारण महापुरुष हैं। अतः उन्होंने पंडों को मारने से रोक दिया तथा प्रभु को अपने घर ले गए। बाद में जब श्री नित्यानंद एवं मुकुंद आदि मंदिर में पहुंचे तथा उन्हें पता चला कि श्रीमन महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं, तो वे भी वहां पहुंच गए, परंतु प्रभु अभी तक प्रेम में आविष्ट होने के कारण मूर्छित ही पड़े हुए थे। जब सभी भक्त वृंद मिलकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो प्रभु उठकर बैठ गए।
सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े वैदांतिक पंडित थे। वे गृहस्थ होकर भी बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे। वे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि को नित्य नहीं बल्कि माइक मानते थे। उनका कहना था कि वास्तव में ब्रह्म निराकार है। जब वे माया की विद्यावृत्ति से ग्रस्त होता है तो वह साकार ब्रह्म या भगवान कहलाता है। एक दिन भट्टाचार्य प्रभु के भक्तों से कहने लगे, ये सन्यासी तो अभी बालक ही है। इन्होंने सन्यास तो ले लिया, परंतु सन्यास धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अतः मैं इन्हें वेदांत पढ़ाऊंगा, जिससे इनका हृदय कठोर हो जाएगा तथा वे संसार में नहीं फंसेंगे। यह सुनकर भक्त लोग बोले, भट्टाचार्य जी, आप इन्हें पहचान नहीं पाए। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु स्वयं भगवान हैं। जगत को शिक्षा देने के लिए ही इन्होंने सन्यास वेश धारण किया है। भक्तों के मुख से ऐसा सुनने पर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। भक्तों ने जब ये बात प्रभु से कही तो वे हंसते हुए बोले, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मुझे तो प्रसन्नता है कि उनका मेरे प्रति वात्सल्य भाव है, तभी तो उन्हें मेरी चिंता लगी है। वे मुझे अपना पुत्र जैसा समझते हैं, अतः मैं उनसे अवश्य ही वेदांत श्रवण करूंगा। दूसरे दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को वेदांत पढ़ाना आरंभ कर दिया। पढ़ते पढ़ते 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में प्रभु ने ना कुछ प्रश्न ही किया ना कुछ कहा। यह देखकर भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। अतः उन्होंने पूछा, चैतन्य, आप 7 दिनों से वेदांत श्रवण कर रहे हैं, परंतु एक बार भी आपने हाँ अथवा ना कुछ भी नहीं कहा। मैं उलझन में हूं कि आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। यह सुनकर प्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, वेदांत सूत्रों का अर्थ तो सूर्य के समान स्पष्ट प्रकाशित हो रहा है, परंतु आपकी काल्पनिक व्याख्या रूपी बादलों से मानो में ठक जाता है। यह सुनकर भट्टाचार्य कुछ आश्चर्यचकित होकर बोले, आज तक किसी ने मेरी व्याख्या में दोष नहीं निकाला और तुम एक नवीन बालक मेरी व्याख्या में दोष निकाल रहे हो। यदि मेरी व्याख्या गलत है तो तुम ही ठीक व्याख्या करो। इस पर प्रभु ने जब सुंदर ढंग से वेदांत सूत्रों की सविशेष परक व्याख्या की तो सार्वभौम अचंभित रह गए। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं। उनका आप्राकृत मदन मोहन सुंदर रूप है। वे आप्राकृत गुणों के भंडार हैं, इसलिए उन्हें गुणाकर भी कहते हैं। उनकी अनंत दिव्य अति दिव्य लीलाएं हैं जो बड़े बड़े आत्माराम मुनियों के मन को भी हरण कर लेती हैं। उनकी लीलाओं से तो स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। इसके लिए प्रभु ने वेद वेदांत उपनिषद आदि से पुष्ट प्रमाणों को प्रस्तुत किया। यह सुनकर श्री भट्टाचार्य अवाक रह गए, परंतु फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि श्रीमन महाप्रभु भगवान हैं। तब महाप्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, आप कृपा कर आत्मा रामस चमुनियों निर्ग्रंथा अप्य उरुक्रमे श्लोक की व्याख्या कीजिए। यह सुनकर भट्टाचार्य ने श्लोक की 9 प्रकार की अलग अलग व्याख्या की। तब वे प्रभु से बोले, अब आप इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। यह सुनकर प्रभु ने श्लोक की 18 प्रकार की व्याख्या की। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन्होंने भट्टाचार्य के किसी भी अर्थ को स्पर्श भी नहीं किया तथा उनकी अपनी व्याख्याएं भी एक दूसरे से संपूर्ण रूप से भिन्न थी। श्रीमन महाप्रभु द्वारा ऐसी अपूर्व व्याख्याओं को सुनकर भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि वे वास्तव में ही कृष्ण हैं, क्योंकि इनके जैसा पांडित्य साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। अतः वे स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे, हे प्रभु, पांडित्य के अभिमान के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके साथ तर्क वितर्क करने के कारण मेरा भयंकर अपराध हो गया है। उनकी दीनता देखकर प्रभु की उन पर कृपा करने की इच्छा हुई, अतः प्रभु ने उन्हें अपना षडभुज रूप का दर्शन कराया।
यह देखकर भट्टाचार्य आनंद से रोते हुए पुनः पुनः प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु की कृपा से शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य उनके हृदय में प्रकट हो गया तथा उन्होंने देखते ही देखते 100 श्लोकों की रचना कर प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। दक्षिण भारत की यात्रा। इस प्रकार कुछ दिन नीलाचल में ही रहकर रथ यात्रा का दर्शन कर श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार करने के लिए चल पड़े। श्रीमन महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मार्ग में जो उनका दर्शन कर लेता उनके मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगता। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता तो वह व्यक्ति भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगता। इस प्रकार प्रभु गांव एवं नगरों को वैष्णव बनाते हुए चले जा रहे थे। कुष्ठ विप्र का उद्धार। एक दिन मार्ग में प्रभु एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुर्म नामक एक विप्र रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने प्रभु को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित कर उन्हें प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। इस प्रकार रात्रि वहीं व्यतीत कर प्रभु प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर वहां से आगे चल पड़े। उसी गांव में वासुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके समस्त शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया था तथा उन घावों में कीड़े पड़ गए थे। जब उसके शरीर से वे कीड़े नीचे गिर जाते तो वह उन्हें उठाकर पुनः उन घावों पर रख देता था। रात को जब उसने सुना कि प्रभु कुर्म ब्राह्मण के यहाँ पधारे हैं तो प्रातःकाल वह भी प्रभु के दर्शनों के लिए आया। परंतु जब उसने सुना कि प्रभु वहां से चले गए हैं तो वह अत्याधिक दुख से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद होश में आने पर वह बहुत विलाप करने लगा। उसी समय भक्तवत्सल भगवान श्री गौर सुंदर वहां पर प्रकट हो गए तथा उन्होंने ब्राह्मण को गले से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श होते ही उसका रोग दूर हो गया तथा उसके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। अब वह परम आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते हुए रोते रोते कहने लगा, प्रभु मैं रोग अवस्था में ही अच्छा था क्योंकि मुझ में दीनहीन भाव बना रहता था, परंतु अब आपने मुझे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया है, अतः अब तो मुझ में अपने रूप का अहंकार आ जाएगा और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रभु बोले, विप्र मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं आएगा, तुम सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहना। ऐसा कहकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बौद्ध आचार्य का उद्धार। इस प्रकार जब प्रभु दक्षिण यात्रा के समय मार्ग में लोगों को वैष्णव बनाते जा रहे थे तो वहां के मायावादी तार्किक मीमांसक तथा बौद्ध आदि लोग इसे सह न सके। उन्होंने प्रभु को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, परंतु प्रभु ने खेल खेल में ही उनके मतों का खंडन कर वैष्णव मत अचिंत भेदाभेद तत्व की स्थापना की। एक दिन एक बौद्धाचार्य अपने बहुत से शिष्यों को लेकर श्रीमन महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने आया, परंतु प्रभु से बुरी तरह पराजित हो गया। यह देखकर वहां पर उपस्थित हजारों लोग बौद्ध आचार्य का उपहास करने लगे तथा प्रभु की जय जयकार करने लगे। इससे वह क्रोधित हो गया। प्रभु को वैष्णव जानकर वह अपने घर चला गया तथा वहां जाकर प्रभु को नीचा दिखाने के लिए विचार करने लगा। बहुत विचार करने के बाद वह एक थाली में अपवित्र एवं अखाद्य वस्तुओं को एक कपड़े से ढककर प्रभु के पास ले आया तथा प्रभु को प्रसाद के नाम पर देने लगा। अंतर्यामी प्रभु सब जानते थे, तथापि उन्होंने जैसे ही हंसते हंसते उस थाली को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय एक विशालकाय पक्षी कहीं से उड़ता हुआ आया तथा उस थाली को अपनी चोंच में पकड़कर पुनः आकाश में उड़ गया। ऊपर जाकर उसने वह थाली अपनी चोंच से छोड़ दी।
जिससे थाली में रखी अपवित्र वस्तुएं बौद्ध आचार्य के शिष्यों के ऊपर ही गिर गईं और थाली बौद्ध आचार्य के सर पर गिर पड़ी। तिरछी थाली लगने से उसका सिर कट गया तथा वहां से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वह भूमि पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर उसके शिष्य लोग हाहाकार करने लगे। सभी ने आकर प्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया। हमने अहंकार वश आपको ना पहचान कर एक साधारण सन्यासी समझा। आप तो दयालु हैं, अतः कृपा कर हमारे अपराधों को क्षमा कर हमारे गुरुदेव को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर प्रभु बोले, तुम सभी लोग मिलकर अपने गुरु के कान में उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन करो। ऐसा करने से तुम्हारे गुरु जीवित हो जाएंगे। अब सभी लोग गुरु के कान के पास जोर से कृष्ण कीर्तन करने लगे। कुछ ही क्षण पश्चात आचार्य को होश आ गया तथा वह भी खड़ा होकर नृत्य करते हुए कृष्ण नाम कीर्तन करने लगा। यह देखकर वहां पर उपस्थित हजारों लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। उसी क्षण प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कोई भी उनका पुनः दर्शन न कर पाया। श्री वेंकट भट्ट पर कृपा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थों देवालयों का दर्शन करते करते श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्रीरंगनाथ जी मंदिर में उपस्थित हुए। श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नामक एक श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव रहते थे। जब श्रीमन महाप्रभु वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, अब चतुर्मास से प्रारंभ हो गया है, अतः आप कृपा पूर्वक मेरा आतिथ्य स्वीकार करके श्रीरंगम में ही चातुर्मास्य व्यतीत कीजिए। प्रभु ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस भट्ट परिवार में वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती तीन भाई थे। वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम श्री गोपाल भट्ट था। श्री वेंकट भट्ट श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, अतः वे श्री नारायण को परतत्व मानते थे। एक दिन प्रभु ने हंसते हुए उनसे पूछा, भट्ट, तुम्हारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी परम पतिव्रता हैं तथा श्री नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, और हमारे आराध्य श्री कृष्ण गोप होने के कारण गौएं चराते हैं। अतः पतिव्रता श्री लक्ष्मी ब्राह्मणी होने पर भी श्री कृष्ण से क्यों मिलना चाहती हैं? इसके लिए वे समस्त प्रकार के सुख भोगों को त्याग कर बहुत समय से तपस्या भी कर रही हैं। भट्ट बोले, प्रभु, कृष्ण एवं नारायण तो एक ही तत्व हैं। श्री कृष्ण में केवल लीला माधुरी अधिक है, अतः श्री कृष्ण को स्पर्श करने से उनका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रभु बोले, इसमें दोष नहीं है, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा सुना जाता है कि उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला, जबकि श्रुतियों ने तपस्या के द्वारा रास में प्रवेश पा लिया था, इसका क्या कारण है? भट्ट बोले, प्रभु, मेरी बुद्धि अति तुच्छ है, अतः मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान की लीलाएं तो करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर हैं। आप तो स्वयं कृष्ण ही हैं, अतः आप ही कृपा पूर्वक इसका कारण बतलाइए। प्रभु बोले, कृष्ण की एक विशेषता है कि वे अपनी माधुरी के द्वारा सबके चित्त को आकर्षित करते हैं। एकमात्र व्रजभाव के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। व्रजवासी लोग कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि अपना पुत्र, सखा तथा प्राण वल्लभ मानते हैं। यदि कोई श्री कृष्ण को पाना चाहता है तो उसे इन व्रजवासियों का अनुगत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में श्री कृष्ण का भजन किया, जिसके फलस्वरूप उनका व्रज में गोपी रूप में जन्म हुआ तथा वे रास में प्रवेश कर सकें। श्री कृष्ण गोप हैं तथा वे गोपियों के साथ ही रास करते हैं, परंतु लक्ष्मी जी उसी ब्राह्मणी शरीर से रास में प्रवेश करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ग्वालिनियों अर्थात गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं था। यही कारण है कि उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला। वेंकट भट्ट का विचार था कि श्री नारायण ही मूल भगवान हैं तथा श्री कृष्ण
नारायण के अंश हैं। उनके इसी विचार को दूर करने के लिए ही प्रभु ने हास परिहास के माध्यम से ये बातें कहीं। प्रभु बोले, भट्ट, तुम विश्वास करो कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं तथा श्री नारायण उनकी विलास मूर्ति हैं। श्री नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में अधिक गुण हैं, इसलिए श्री कृष्ण नारायण की सेविका श्री लक्ष्मी के मन को भी हर लेते हैं, परंतु श्री नारायण कदापि गोपियों का मन हरण नहीं कर पाते। इसका प्रमाण है, एक बार कृष्ण की इच्छा हुई कि गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली जाए। इसके लिए वे रास से अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियां उन्हें खोज रही थीं, तो कृष्ण नारायण स्वरूप धारण कर उसी मार्ग में खड़े हो गए जिस मार्ग से गोपियां जा रही थीं। जब गोपियां उनके निकट पहुंची तो कहने लगी, हे प्रभु नारायण, आप कृपा करके हमारे प्राणनाथ के विषय में बता दीजिए। उस समय राधिका जी कुछ पीछे थी, किंतु जब वे नारायण स्वरूपधारी कृष्ण के निकट पहुंची तो कृष्ण उस चतुर्भुज स्वरूप को नहीं रख सके। उनके दो हाथ उनके पेट में प्रविष्ट हो गए, जिसके कारण उस स्थान का नाम पड़ गया पैंठा। आज भी ब्रज में वह स्थान पैंठा के नाम से प्रसिद्ध है। यह सुनकर भट्ट कहने लगे, भगवान की लीलाएं तो अगाध हैं, उन्हें मेरे जैसा तुच्छ जीव कैसे समझ सकता है। आप तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, अतः आपकी कृपा से ही मैं आज समझ पाया हूँ कि वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल हैं तथा भक्ति ही सर्वोपरि है। ऐसा कहकर श्री वेंकट भट्ट ने आनंद से रोते हुए प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया तथा प्रभु ने भी उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उनका सारा परिवार श्री कृष्ण भक्त बन गया। इस प्रकार 4 मास वहीं बिताकर प्रभु आगे चल दिए। गोदावरी के तट पर राय रामानंद से मिलन। इस प्रकार भट्ट परिवार पर कृपा कर प्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे। गोदावरी का दर्शन कर उन्हें यमुना का स्मरण हो आया। उन्होंने आनंद पूर्वक उसमें स्नान किया तथा घाट से कुछ दूरी पर बैठकर कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। उसी समय श्री राय रामानंद जी राजवेश में बहुत से ब्राह्मणों के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। वे कृष्ण के एकांतिक भक्त थे तथा कृष्ण लीला में श्री राधा जी की प्रिय सखी श्री विशाखा जी थे। प्रभु का दर्शन कर वे मुक्त हो गए और श्रीमन महाप्रभु भी उन्हें देखकर पहचान गए कि ये ही राय रामानंद हैं। अतः वे अधीर होकर उन्हें आलिंगन करना चाहते थे, परंतु किसी प्रकार से स्वयं को रोके रहे। उसी समय राय रामानंद जी स्वयं प्रभु के पास आए। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने आनंद से पुलकित होकर उन्हें आलिंगन किया। उस समय वहां पर विजातीय लोग होने के कारण उन दोनों में कुछ विशेष वार्तालाप न हो पाया। अतः प्रभु बोले, रामानंद जी, आप संध्या के समय मेरे पास आना। उस समय हम कुछ कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे। श्री राय रामानंद प्रभु के आदेश को शिरोधार्य कर उस समय ब्राह्मणों के साथ वापस चले गए। पुनः संध्या के समय जब वे एक साधारण वेश में प्रभु से मिले तो प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, रामानंद, आप साध्य तथा साधन तत्व पर कुछ प्रकाश डालिए। राय रामानंद ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम धर्म का पालन ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। शास्त्रों में सभी वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जो विद्या अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि रखते हैं और भक्तिमान हैं, वे ब्राह्मण हैं। वीरता एवं राज्य शासन में ही जिनकी रुचि है, वे क्षत्रिय हैं। कृषि, पशुपालन और व्यवसाय इत्यादि में जिनकी स्वाभाविक रुचि है, वे वैश्य कहलाते हैं। इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही जिनका स्वभाव है, वे शूद्र कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं सन्यास, ये चार आश्रम हैं। अपने अपने वर्ण एवं आश्रमों के लिए शास्त्रों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यह सुनकर प्रभु बोले, यह बाह्य विचार है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का अच्छी प्रकार पालन करने पर जागतिक सुख, स्वर्ग सुख अथवा मुक्ति सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु भगवान का धाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका फल वैकुंठ से बाहरी होने के कारण प्रभु ने इसे बाह्य कहा तथा राय रामानंद से कहा, इसे आगे कहो। यह सुनकर राय रामानंद ने जब क्रमशः कर्म अर्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हुए ज्ञान शून्य भक्ति के विषय में कहा, तब प्रभु बोले, रामानंद यह ठीक है, परंतु इससे भी उत्तम कुछ है तो कहिए। तदुपरांत राय रामानंद ने क्रमशः शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हुए अंत में मधुर भाव या गोपी भाव को ही सात्य शिरोमणि बतलाया। पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति तो केवल मधुर भाव से ही हो सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण मधुर भाव की आश्रय गोपियों के वशीभूत रहते हैं। यह सुनकर प्रभु बोले, रामानंद वास्तव में यही साध्य तत्व की चरम सीमा है, परंतु यदि इससे आगे भी कुछ है तो कृपा पूर्वक कहिए। राय रामानंद बोले, इस गोपी भाव अर्थात जिस भाव से गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, मैं भी श्री राधा जी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, जिनके लिए श्री कृष्ण अन्य अन्य गोपियों की भी उपेक्षा कर देते हैं। जैसे रासलीला के समय श्री राधा जी के माननी होकर रास छोड़कर चले जाने पर श्री कृष्ण व्याकुल हो गए, उनका मन रासलीला से उचट गया और वे भी रास छोड़कर श्री राधा जी की खोज में निकल पड़े। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे, रामानंद जी जिस उद्देश्य से मैं आपके पास आया था वह पूरा हो गया। अब मुझे पूर्ण रूप से साध साधन तत्व का ज्ञान हो गया। यदि इससे भी आगे कुछ है तो कहिए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। इस पर राय रामानंद ने क्रमशः कृष्ण तत्व, राधा तत्व, रस तत्व एवं प्रेम तत्व का वर्णन किया। इसे सुनकर प्रभु बोले, रामानंद जी आपकी कृपा से मुझे सात्य वस्तु का तो अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया, अब कृपा पूर्वक साधन अर्थात वह उपाय बताइए जिसकी सहायता से इस साध्य वस्तु को पाया जा सके। राय रामानंद बोले, श्री राधा कृष्ण की मधुर रस की लीलाएं बहुत ही गोपनीय हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि भावों के द्वारा भी इनमें प्रवेश संभव नहीं है। इन लीलाओं में तो एकमात्र सखियों का ही अधिकार है, अतः सखियों के अनुगत्य के बिना इन गुणतम लीलाओं में किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं श्री लक्ष्मी जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। यह सुनकर प्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया। राय रामानंद बोले, प्रभु मेरे हृदय में एक संशय है, आप कृपा पूर्वक उसे दूर करें। पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में दर्शन किया, परंतु अब आपको श्याम वर्ण वाले गोप के रूप में देख रहा हूँ। मुझे आपके सामने एक सोने की मूर्ति दिखाई दे रही है, जिसकी गौर कांति से आपका श्याम वर्ण ढका हुआ है तथा आपके हाथों में मंशी भी देख रहा हूँ। अतः प्रभु ये सब क्या है, आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम है तथा उस प्रेम का स्वभाव ऐसा ही है। महाभागवत जड़ अथवा चेतन सभी वस्तुओं में श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। आपका श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण मुझ में भी आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। रामानंद बोले, प्रभु स्वयं को मुझसे छुपाने की चेष्टा ना करें, मैं समझ गया हूँ कि श्रीमती राधिका के भाव एवं उनकी अंग कांति लेकर आप प्रेम रस का स्वादन करने के लिए ही इस स्वरूप में अवतरित हुए हैं।
जब मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ स्वयं आए हैं तो अब छल करने की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने हंसते हुए अपना रसराज श्री कृष्ण एवं महाभाव स्वरूपा राधा जी के मिलित स्वरूप का दर्शन कराया। दर्शन करते ही राय रामानंद जी आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें स्पर्श कर उनकी मूर्छा को दूर किया। चेतन होते ही जब उन्होंने पुनः श्रीमन महाप्रभु को गौर वर्ण के सन्यासी वेश में दर्शन किया तो विस्मित हो गए। प्रभु उन्हें आलिंगन करते हुए बोले, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे स्वरूप का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया। तुम जो मुझे पृथक एक गौर पुरुष के रूप में देख रहे हो, वास्तव में मैं वह नहीं हूं, अर्थात वह गौर वर्ण मेरा नहीं है। मैं तो नंद नंदन श्री कृष्ण ही हूं तथा मेरा रंग सांवला है, परंतु श्रीमती राधिका जी के अंगों के स्पर्श से मेरा ये गौर वर्ण नित्य है। श्रीमती राधिका के भाव एवं उनकी अंग कांति को अंगीकार मैं स्वयं कृष्ण होते हुए भी अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, परंतु सावधान, इस विषय में तुम किसी से भी कुछ मत कहना तथा अति शीघ्र संसार छोड़कर नीलाचल चले जाना। वहां हम दोनों श्री कृष्ण कथाओं की चर्चा में निमग्न रहेंगे। राजा प्रताप रुद्र के पुत्र को दर्शन देना। जब प्रभु दक्षिण भारत से वापस लौटे तो नीलाचलवासी भक्तों के आनंद की सीमा न रही। सभी लोग श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। वहां के राजा प्रताप रुद्र परम भगवत भक्त तथा महाप्रभु के प्रति विशेष अनुरक्त थे। वे प्रभु का दर्शन करना चाहते थे, परंतु प्रभु का आदेश था कि वे राज दर्शन अर्थात विषयी लोगों का दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि राज दर्शन सन्यासी के लिए निषेध है। जब बहुत चेष्टा करने पर भी राजा को प्रभु का दर्शन नहीं मिला तो एक दिन वे दुखी होकर सार्वभौम भट्टाचार्य से बोले, प्रभु के दर्शन में मेरा राजवेश ही बाधक बन रहा है, अतः मैं राजवेश त्याग कर सन्यास वेश धारण कर लूंगा। यह सुनकर सार्वभौम का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने जाकर प्रभु को राजा का विचार सुनाया तो प्रभु संतुष्ट होकर बोले, सार्वभौम, मैं उसे तो नहीं परंतु उसके पुत्र को अवश्य दर्शन दूंगा। यह समाचार जब राजा को मिला तो उन्होंने अति प्रसन्न होकर अपने छोटे से पुत्र को कृष्ण के वेश में सजाया। राजकुमार था भी सांवला तथा उसके नेत्र भी बड़े बड़े और आकर्षक थे। जब भक्त लोग उसे प्रभु के समीप लाए तो प्रभु ने प्रेमाविष्ट होकर उसे गले से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही वह भी प्रेम में मत्त होकर रोने लगा तथा प्रभु के श्री चरणों में लौटने लगा। जब भक्त लोग राजकुमार को वापस राजा के पास ले गए तो अपने पुत्र की ऐसी अद्भुत अवस्था देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही उन्होंने उसका आलिंगन किया तो उन्हें ऐसे आनंद की अनुभूति हुई जैसे वे प्रभु का ही आलिंगन कर रहे हों। गुंडीचा मंदिर मार्जन। श्रीमन महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा करके नीलाचल लौटने के कुछ समय पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का समय उपस्थित हुआ। रथ यात्रा एवं श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के उद्देश्य से बंगाल से भी श्री अद्वैताचार्य श्री शिवानंद सेन इत्यादि हजारों भक्त लोग जगन्नाथपुरी में उपस्थित हुए। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर अर्थात वह स्थान जहाँ पर रथ पर सवार होकर श्री जगन्नाथ देव जाते हैं और 7 दिन तक वहीं पर निवास करते हैं एवं वहीं उनकी सेवा की जाती है, मार्जन किया जाता है। उससे एक दिन पूर्व श्रीमन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य एवं काशी मिश्र से हंसते हंसते बोले, भट्टाचार्य जी, इस बार गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मैं स्वयं करना चाहता हूँ। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, प्रभो, हम तो आपके सेवक हैं, ये सेवा तो हमारी है, परंतु आपकी इच्छा के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजा प्रताप रुद्र का भी आदेश है कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही किया जाए। तब प्रभु के निर्देशानुसार
100 नए मिट्टी के घड़े और 100 झाड़ू मंगवाए गए। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर गुंडीचा मंदिर में पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने सभी को अपने हाथों से चंदन लगाया, तत्पश्चात सभी को एक एक झाड़ू पकड़ा दिया। सबसे पहले संपूर्ण मंदिर को झाड़ू से साफ किया गया। उस समय सभी के मुख से कृष्ण नाम निकल रहा था। श्रीमन महाप्रभु की तो अवस्था ही अद्भुत हो रही थी। वे आनंद से मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। सब झाड़ुओं के द्वारा घास फूस के तिनके तथा कंकड़ आदि साफ हो गए। तब श्रीमन महाप्रभु ने आदेश दिया कि अब जल से मंदिर को धो, जिससे भूमि दीवारों छतों पर चिपकी हुई धूल बह जाए। सबसे पहले महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से एक घड़ा जल लेकर सिंहासन को धोया, फिर सभी भक्त लोग मंदिर को धोने में लग गए। इस प्रकार संपूर्ण मंदिर को धोकर साफ सुथरा कर दिया गया, परंतु प्रभु का मन तब भी नहीं भरा। अतः अंत में वे अपने उतरिए या दुपट्टे से ही मंदिर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगे। इस प्रकार मंदिर साफ सुथरा एवं निर्मल हो गया। उस समय ऐसा लगने लगा जैसे साफ सुथरे एवं निर्मल मंदिर के रूप में प्रभु ने अपने हृदय को ही बाहर रख दिया हो। इस लीला के द्वारा महाप्रभु ने शिक्षा दी कि जब तक हृदय रूपी मंदिर साफ सुथरा अर्थात नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं एवं अनर्थों से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसमें भगवान को विराजमान नहीं कराया जा सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरिता अमृत के इस प्रसंग पर अपने अनुभाष्य में गुंडीचा मंदिर मार्जन के रहस्य को प्रकाशित करते हुए कहा है, कृष्ण की सेवा प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की कामनाएं कंटीले घास के तिनकों की भांति हैं, जो शुद्ध जीव की सुकोमला हृदय वृत्ति शुद्ध भक्ति को विद्ध कर देते हैं। कर्म अर्थात यज्ञ दान पुण्य व्रत आदि धूली के समान हैं, जो स्वच्छ एवं निर्मल हृदय दर्पण को ढक देते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान एवं योग आदि की चेष्टा कंकड़ आदि के समान है, जिसके द्वारा भगवान की सेवा तो दूर की बात है, इसके विपरीत भगवान के शरीर पर आघात करने की चेष्टा ही होती है। यद्यपि निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी या मायावादी लोग मुमुक्षु अवस्था में अर्थात साधन अवस्था में भगवान का नाम आदि गौण रूप से ग्रहण करते हैं, परंतु मुक्त अवस्था में वे लोग भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वे भगवान के नाम आदि को अनित्य साधन मात्र मानते हैं। इसलिए श्री गौर सुंदर ने तृण धूली कंकड़ आदि को अपने दुपट्टे में भरकर मंदिर की सीमा के बाहर फेंक दिया, जिससे कि ये वस्तुएं पुनः मंदिर में प्रविष्ट न हो जाएं। तात्पर्य यह है कि जब तक हृदय क्षेत्र में ये सब प्रतिकूलताएं विद्यमान रहती हैं, तब तक हृदय परम सेव्य भगवान का आसन नहीं बन सकता। रथ के आगे महाप्रभु का नृत्य तथा प्रताप रुद्र पर कृपा। रथ यात्रा के दिन प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर श्रीमन महाप्रभु पांडु विजय अर्थात श्री जगन्नाथ देव बलदेव प्रभु एवं सुभद्रा देवी का मंदिर से चलकर रथ में आरोहण का दर्शन करने के लिए गए। श्री जगन्नाथ देव के दैतापति सेवक बड़े बड़े हाथियों के समान बलशाली थे, जो उन्हें धीरे धीरे रथ की ओर ला रहे थे। कुछ ने उनके कंधों को पकड़ रखा था, कुछ ने उनकी कमर को। उनकी कमर में एक बहुत मोटी रस्सी बांधी गई थी, जिसके दोनों कोनों को पकड़कर कुछ दैतापति उन्हें उठा उठा कर रथ की ओर ला रहे थे। श्री जगन्नाथ देव तो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा के बिना उन्हें कौन हिला सकता है। जब उनकी इच्छा होती तो वे सहज ही चल पड़ते, परंतु जब उनकी अपने भक्तों से कौतुक एवं हास परिहास की इच्छा होती वे स्थिर हो जाते। उस समय लाख चेष्टा करने पर भी कोई उन्हें हिला नहीं पाता। इस प्रकार लीला में प्रभु आनंद से झूमते झूमते रथ में सवार हो गए। उसी समय राजा प्रताप रुद्र अपने हाथों में सोने का झाड़ू लेकर वहां पर आए तथा रथ के आगे आनंद पूर्वक झाड़ू लगाने लगे।
उन्हें ऐसी सेवा करते देख श्रीमन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अपने सभी कीर्तन्याओं को अपने हाथों से माला एवं चंदन अर्पण किया। तत्पश्चात कीर्तन के 7 तल बनाए गए। श्री जगन्नाथ के आगे 4 तल नृत्य एवं कीर्तन कर रहे थे। उनके दोनों ओर 2 तथा पीछे 1 तल कीर्तन कर रहा था। इस प्रकार उस समय चारों ओर कीर्तन की ही ध्वनि गूंजने लगी। प्रभु 7 दलों में ही दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते हुए हरि हरि एवं जय जगन्नाथ कहते हुए विचरण कर रहे थे। अब रथ धीरे धीरे चलने लगा। उसी समय प्रभु ने अपने ऐश्वर्य प्रकट किया। वे एक साथ 7 दलों में नृत्य करने लगे, परंतु इसे एकमात्र सौभाग्यवान प्रताप रुद्र ने ही दर्शन किया, क्योंकि उनकी सेवा से प्रभु ने प्रसन्न होकर उन पर ही ये कृपा की। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु उनके प्रति उदासीन होने पर भी हृदय से उन्हें बहुत प्रीति करते थे। इस प्रकार महाप्रभु कीर्तन करते करते आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके नेत्रों से अश्रुधारा गंगा यमुना के प्रवाह की भांति प्रवाहित हो रही थी। अब श्री जगन्नाथ देव का रथ धीरे धीरे बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचा। वहां पर श्री जगन्नाथ देव को भोग लगाने का नियम है। नृत्य करते करते महाप्रभु भी कुछ क्लांत हो गए थे। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अतः वे निकट ही एक बगीचे में चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय महाप्रभु भावविष्ट थे तथा नेत्र बंद करके लेटे हुए थे। उसी समय सार्वभौम के आदेश अनुसार राजा प्रताप रुद्र राजवेश त्याग कर एक सामान्य वैष्णव वेश धारण कर डरते हुए धीरे धीरे महाप्रभु की चरण सेवा करने लगे। श्रीमन महाप्रभु की चरण सेवा करते समय सार्वभौम के निर्देश अनुसार उन्होंने गोपी गीत का एक श्लोक मधुर कंठ से गाना प्रारंभ कर दिया। श्लोक सुनते ही महाप्रभु ने नेत्र बंद किए हुए ही आनंद पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया तथा और बोलो कहने लगे। कुछ चंद पश्चात महाप्रभु ने पूछा, तुम कौन हो जिसने मुझे आनंद सागर में डुबो दिया? राजा हाथ जोड़कर बोले, मैं आपके ही सेवकों का एक तुच्छ सेवक हूँ। यह सुनकर प्रभु ने उन्हें अपने ऐश्वर्य दिखलाया तथा उन्हें इसे अन्य किसी से भी कहने के लिए निषेध किया। उसी समय महाप्रसाद आ गया। भक्तवत्सल भगवान अपने प्रिय भक्तों को बैठाकर स्वयं उन्हें परिवेशन करने लगे, परंतु श्री स्वरूप दामोदर ने पहले महाप्रभु को प्रसाद पाने के लिए बैठा दिया। उस समय सर्वप्रथम महाप्रभु ने और तत्पश्चात भक्तों ने प्रसाद पाया। जब रथ के चलने का समय हुआ तो बहुत प्रयास करने पर भी रथ टस से मस नहीं हुआ। अतः रथ को खींचने के लिए बहुत से हाथियों को लगाया गया, परंतु वे भी रथ को खींचने में असमर्थ हो गए। ये बात जब महाप्रभु के कानों में पहुंची तो वे अपने भक्तों के साथ रथ के निकट पहुंच गए। उन्होंने सभी हाथियों को हटवा दिया तथा रस्सी अपने भक्तों के हाथों में थमा दी और स्वयं रथ के पीछे जाकर जैसे ही उन्होंने अपने सर से रथ को ढकेला तो रथ हड़ हड़ करता हुआ चल पड़ा। भक्त लोग तो मात्र रस्सी पकड़े हुए थे, परंतु रथ स्वयं ही चल रहा था। कुछ ही क्षणों में रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंच गया। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आंगन में कीर्तन एवं नृत्य करने लगे। संध्या के समय संध्या आरती का दर्शन कर प्रभु आए टूटा आ गए। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की उपस्थिति में कीर्तन एवं नृत्य उत्सव के साथ 9 दिन का रथ यात्रा उत्सव संपन्न हुआ। अमोघ का उद्धार। रथ यात्रा के कुछ दिन बाद एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया। जब महाप्रभु उनके घर में उपस्थित हुए और प्रसाद पाने के लिए बैठे तो भट्टाचार्य ने उनके आगे अन्न एवं अनेक व्यंजनों का ढेर लगा दिया। यह देखकर महाप्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं अकेला इतना खा सकता हूँ? यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य
हंसते हंसते कहने लगे, प्रभु जगन्नाथ मंदिर में तो आप 52 बार सैकड़ों मन अन्न खा जाते हैं तथा द्वारका में 16,108 रानियों के घरों में खाते हैं। इसके अतिरिक्त व्रज में अन्नकूट के समय अपने समस्त व्रजवासियों के द्वारा अर्पित किए गए हजारों मन खाद्य सामग्रियों को एक ही क्षण में खा लिया, फिर उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। अतः आप मुझे ठगने की चेष्टा ना करें, कृपा पूर्वक मेरी इस तुच्छ सेवा को ग्रहण करें। यह सुनकर महाप्रभु प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए। अभी उन्होंने भोजन करना आरंभ ही किया था कि उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ वहां आ पहुंचा। वे बहुत बड़ा पाषंडी और साधु संतों का निंदुक था। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में लाठी लेकर द्वार पर बैठे थे। उन्हें संदेह था कि कहीं अमोघ ने महाप्रभु को प्रसाद पाते हुए देख लिया तो वह अवश्य ही निंदा करेगा, और वही हुआ। अमोघ ने दरवाजे से झांक कर महाप्रभु को प्रसाद पाते हुए देख लिया तथा कटाक्ष करते हुए बोला, अहो एक सन्यासी 10-20 व्यक्तियों का भोजन अकेला ही खा जाता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य उसे मारने के लिए उसकी ओर लपके, वह जल्दी से वहां से भाग गया। अब भट्टाचार्य क्रोधित होकर उसे अभिशाप देने लगे। सार्वभौम की स्त्री भी महाप्रभु की परम भक्त थी। वह रोते रोते दोनों हाथों से अपनी छाती पीटते हुए बार बार कहने लगी, मेरी लड़की शाठी विधवा हो जाए तो अच्छा है, मेरी लड़की शाठी विधवा हो जाए तो अच्छा है। उन दोनों को इस प्रकार दुखित और विलाप करते हुए देखकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने उनकी इच्छानुसार भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने उन्हें आचमन कराया और महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको अपने घर में बुलवाकर आपका घोर अपमान करवाया। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, भट्टाचार्य जी अमोघ ने मेरी निंदा नहीं की, बल्कि उसने तो सत्य ही कहा, इसमें आपका क्या अपराध हुआ। ऐसा कहकर प्रभु अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को छोड़ने के लिए उनके साथ गए। प्रभु के निवास स्थान पर पहुंचकर वे महाप्रभु के चरणों को पकड़कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें सांत्वना प्रदान कर वापस भेज दिया। अपने घर आकर वे पत्नी से कहने लगे, आज मैंने जिसके मुंह से अपने प्राणनाथ की निंदा सुनी, यदि मैं उसकी हत्या कर दूं या स्वयं आत्महत्या कर लूं, तभी मेरे अपराध का प्रायश्चित होगा, परंतु मैं ये दोनों ही कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अमोघ ब्राह्मण है तथा मैं भी ब्राह्मण हूँ, अतः मैं आज से उद्दुष्ट का परित्याग कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वह पुत्री शाठी से बोले, बेटी तेरा पति पतित हो चुका है, अतः तू उसका परित्याग कर दे, क्योंकि अभक्त एवं नास्तिक पति को त्याग कर देना ही उचित है। उस रात अमोघ भय के कारण घर नहीं आया। प्रातःकाल जब वह घर आया तो उसे हैजा हो गया। यह सुनकर भट्टाचार्य कहने लगे, अच्छा हुआ जो काम मैं स्वयं नहीं कर पा रहा था वे स्वयं ही हो रहा है, यदि ये मर ही जाए तो अच्छा है, भगवान के चरणों में अपराध कर कोई कुशल पूर्वक कैसे रह सकता है। दोपहर के समय जब महाप्रभु को यह समाचार मिला तो वे तुरंत वहां पर आ गए और अमोघ की छाती पर हाथ रखकर कहने लगे, ब्राह्मण तो स्वभाव से ही सरल और निर्मल होता है, परंतु तुमने अपने हृदय में मात्सर्य रूपी चंडालिनी को क्यों बैठा रखा है। अमोघ उठो, कृष्ण नाम कीर्तन करो, अतिशीघ्र ही भगवान तुम पर कृपा करेंगे। उसी क्षण अमोघ कृष्ण कृष्ण कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया तथा प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। कुछ क्षण पश्चात वह श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़कर निवेदन करने लगा, हे दयामय प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैंने अपने इस घृणित मुख से आपकी निंदा की। ऐसा कहकर वे अपने गालों तथा मुख को अपने हाथों से पीटने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर प्रभु ने उसे गले से लगा लिया और सार्वभौम से कहने लगे, सार्वभौम जी ये अमुक तो बालक है,
अतः आप इसे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर सार्वभौम प्रभु के चरणों में गिर पड़े। वृंदावन यात्रा एवं झारखंड में पशु पक्षियों को प्रेम दान। अब श्रीमन महाप्रभु की वृंदावन जाने की इच्छा हुई। उन्होंने ये बात सार्वभौम तथा अन्य अन्य भक्तों से कही और साथ ही ये भी कहा कि वे वृंदावन अकेले ही जाएंगे। यह सुनकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री सार्वभौम इत्यादि भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा पूर्वक बलभद्र भट्टाचार्य तथा उनके एक सेवक को अपने साथ लेकर जाइए। मार्ग में ये दोनों आपकी सेवा करेंगे। भक्तों की प्रार्थना अनुसार महाप्रभु उन दोनों को साथ लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया तथा जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल बहुत ही घना और गंभीर था। प्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। मार्ग में प्रभु का दर्शन कर बाघ, भालू तथा हाथी इत्यादि हिंसक प्राणी भी रास्ता छोड़ देते थे। महाप्रभु तो प्रेम में आविष्ट होकर चले जा रहे थे, परंतु उनके दोनों साथियों की अवस्था दयनीय हो रही थी। वे बहुत भयभीत हो रहे थे। एक स्थान पर बीच मार्ग में एक भयंकर बाघ सो रहा था। प्रेम में उन्मत्त महाप्रभु का चरण उसके शरीर पर पड़ गया। प्रभु बोले, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ तथा कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। एक अन्य स्थान पर जब महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय मत्त हाथियों का एक दल नदी में जल पीने के लिए आया। प्रभु ने कृष्ण कहो कहते हुए उन पर जल के छींटे फेंक दिए। वे जल के छींटे जिन जिन के शरीर पर पड़े, वे सभी कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने और कीर्तन करने लगे। उनमें से कुछ तो भूमि पर गिरकर चित्कार करने अर्थात चिंघाड़ने लगे। यह अलौकिक दृश्य देखकर भट्टाचार्य उनके सेवक के आश्चर्य की सीमा न रही। श्रीमन महाप्रभु मार्ग में मधुर कंठ से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि सुनकर जंगल की हिरणिया भी बेसुध होकर उन्हें घेर कर उनके साथ चलने लगी। यह देखकर प्रभु उनके शरीर पर अपना अति कोमल हस्त कमल फिराते हुए उन पर कृपा करने लगे। उसी समय कहीं से 5-7 शेर भी वहां पर आ पहुंचे। वे भी हिरणियों के साथ मिलकर प्रभु के साथ साथ चलने लगे। इससे प्रभु को वृंदावन का स्मरण हो गया। जैसे ही प्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहो कहा, वैसे ही वे हिरणिया एवं शेर मिलकर आनंद से रोते रोते कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगे। शेर तथा हिरणिया एक दूसरे को आलिंगन कर एक दूसरे का मुख चूमने लगे। यह देखकर प्रभु हंसते हुए उन्हें छोड़कर आगे चल पड़े। महाप्रभु का दर्शन कर मोर, तोते, कोयल आदि पक्षी भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए तथा नृत्य करते हुए प्रभु के साथ चल पड़े। जब प्रभु उन्मत्त होकर हरी हरी कहते तो जंगल के वृक्ष एवं लताएं भी प्रफुल्लित हो जाते थे। इस प्रकार झारखंड में स्थावर एवं जंगम सभी को प्रेम दान कर प्रभु ने उन्मत्त कर दिया। वाराणसी में मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद द्वारा प्रभु की निंदा। मार्ग में पड़ने वाले गांवों एवं नगरों को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाते हुए श्रीमन महाप्रभु मायावादियों की नगरी वाराणसी पहुंचे। महाप्रभु जब मणिकर्णिका घाट में स्नान कर रहे थे, उस समय तपन मिश्र ने वहां पर प्रभु का दर्शन किया। पहले ग्रस्त लीला के समय जब प्रभु बंगदेश की यात्रा पर गए थे, वहां पर उन्होंने तपन मिश्र पर कृपा की थी तथा उसे काशी में रहने का आदेश दिया था तथा ये भी कहा था कि मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। अतः आज तपन मिश्र ने प्रभु को पहचान लिया। उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि प्रभु ने सन्यास वेश धारण कर लिया है। अतः प्रभु को सन्यासी वेश में देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। वे श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। तत्पश्चात वे प्रभु को अपने घर ले आए।
तथा उनका अच्छी प्रकार से आदर सत्कार किया। उसी काशी नगरी में महाप्रभु के एक और प्रेमी भक्त निवास करते थे। उनका नाम चंद्रशेखर था। वे वैद्य जाति के थे तथा तपन मिश्र के मित्र थे। उन्होंने जब सुना कि प्रभु काशी में तपन मिश्र के घर आए हैं, तो वे भी दौड़े दौड़े प्रभु का दर्शन करने के लिए तपन मिश्र के घर पर आ पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करते ही वे आनंद से रोते रोते प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उन्हें उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। चंद्रशेखर कहने लगे, प्रभु आपकी हम पर अपार करुणा है कि आप हमें दर्शन देने के लिए काशी में पधारे हैं। अपने दुर्भाग्य के कारण ही हम दोनों यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ माया एवं ब्रह्म शब्द को छोड़कर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। वहां के मायावादी सन्यासी प्रभु को भी मायावादी सन्यासी जानकर उन्हें निमंत्रित करते, परंतु प्रभु तो संग के भय से उनकी वंचना कर देते थे। काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी था। उसके हजारों शिष्य थे। एक दिन उसका एक ब्राह्मण शिष्य भी प्रभु की महिमा सुनकर प्रभु के दर्शन करने के लिए तपन मिश्र के घर आया। महाप्रभु के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर वह मोहित हो गया। जब वह लौटकर प्रकाशानंद की सभा में गया, तो प्रकाशानंद के सामने श्रीमन महाप्रभु की महिमा का गान इस प्रकार करने लगा। श्री जगन्नाथ पुरी से एक सन्यासी आए हैं। उनकी महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनका दीर्घ शरीर है और उनके शरीर का रंग तपे हुए सोने के जैसा है। उनकी अजान उलंबित भुजाएं हैं और उनके नेत्र कमल के समान हैं। उनका दर्शन कर वैसा ही आनंद होता है जैसा कि श्री नारायण का दर्शन करने से होता है। जो भी उनका दर्शन करता है, उसके मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगता है। शास्त्रों में एक महाभागवत के जो लक्षण बतलाए गए हैं, वे सब लक्षण उनमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उनके श्रीमुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता रहता है तथा उनके दोनों नेत्रों से गंगा एवं यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। जैसा उनका अलौकिक स्वरूप है, वैसे ही उनका नाम भी है, श्री कृष्ण चैतन्य। यह सुनकर प्रकाशानंद जोर जोर से हंसने लगा और उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि बंगाल से एक पागल सन्यासी आया है। वह केशव भारती का शिष्य है। उसका नाम चैतन्य है और अपने ही जैसे कुछ पागलों को साथ लेकर गांव गांव एवं नगर नगर में नाचते कूदते हुए घूमता रहता है। सुना है कि उसके पास ऐसी मोहिनी शक्ति है, जो एक बार उसका दर्शन कर लेता है, वह भी उसकी भांति पागल होकर रोते रोते नाचने एवं गाने लगता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस पागल ने पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे गंभीर एवं असाधारण पंडित को भी पागल बना दिया। अब तो वह भी अपना ध्यान आदि छोड़कर पागलों की भांति कीर्तन और नृत्य करने लगा है। वह चैतन्य केवल नाम मात्र का सन्यासी है, वास्तव में वो कोई जादूगर है। परंतु यह काशी नगरी है, यहाँ उसका जादू नहीं चलने वाला। अतः तुम लोग चुपचाप मेरे पास वेदांत सुनो, उसके निकट मत जाना। ऐसे उदंड लोगों के चक्कर में फंसकर लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। महाप्रभु के दर्शन से उसका चित्त शुद्ध हो गया था। अतः वह कृष्ण कृष्ण कहकर वहां से उठकर आ गया। दूसरे दिन वह जब पुनः महाप्रभु के पास आया, तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु प्रकाशानंद सरस्वती आपकी निंदा करता है। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। महाप्रभु को मुस्कुराते हुए देखकर उसने पुनः पूछा, प्रभु जब मैंने उसे आपका परिचय दिया, तो वो कहने लगा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ऐसा कहकर उसने तीन बार आपका नाम लिया, परंतु आधा ही, अर्थात चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने आपका पूरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य क्यों नहीं कहा? प्रभु हंसते हुए बोले, मायावादी लोग श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीला इत्यादि को नित्य नहीं मानते, अतः वे श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी हैं।
उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण पर कृपा की और वृंदावन की ओर चल पड़े। मथुरा में श्रीमन महाप्रभु का आगमन। श्रीमन महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य एवं कीर्तन करते हुए मथुरा की ओर चले जा रहे थे। ज्यों ज्यों वे वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे, त्यों त्यों उनका प्रेम आवेश भी बढ़ रहा था। मार्ग में जहां पर भी उन्हें श्री यमुना जी का दर्शन होता, वे उसमें कूद पड़ते। तब बड़े कष्ट से बलभद्र तथा उनका सेवक प्रभु को बाहर निकालते थे। इस प्रकार चलते चलते प्रभु मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर सर्वप्रथम वे विश्राम घाट गए और वहां पर स्नान किया। तत्पश्चात जन्मभूमि और आदि केशव आदि का दर्शन किया। श्री केशव देव का दर्शन करते ही वे प्रेम में आविष्ट होकर उद्दंड नृत्य करने लगे। उस समय वहां पर एक सनोड़िया ब्राह्मण भी उपस्थित था। प्रभु का दर्शन कर वह भी प्रेम आविष्ट होकर प्रभु के साथ नृत्य करने लगा। उसे देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तब उसने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। यह सुनकर प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लिया। उस ब्राह्मण ने प्रभु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित किया। श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य होने के कारण महाप्रभु ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसके घर पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए हजारों लोग उसके घर के बाहर एकत्रित हो गए। तब प्रभु ने घर से बाहर आकर सबको दर्शन देकर धन्य किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने प्रभु को मथुरा के 24 घाट, स्वामी घाट, विश्राम घाट, ध्रुव घाट इत्यादि एवं भूतेश्वर महादेव, दीर्घ विष्णु इत्यादि विग्रहों का दर्शन कराया। जब श्रीमन महाप्रभु की 12 वनों के दर्शन करने की इच्छा हुई तो उस ब्राह्मण को साथ लेकर प्रभु ने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुला वन आदि 12 वनों का दर्शन किया। मार्ग में चरती हुई गायें प्रभु का दर्शन करते ही दौड़ कर आती और स्नेह से उन्हें चाटने लगती। ये देख प्रभु को अपनी कृष्ण लीला का स्मरण हो आता। वे भी गायों के गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगते। हिरणिया, कोयल, मोर, तोते आदि पशु पक्षी भी प्रभु का दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे, मानो आज बहुत दिनों के बाद उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हों। वे सबू प्रभु के साथ साथ चलने लगते। पशु पक्षियों की तो बात ही क्या, वृंदावन के वृक्ष एवं लताओं से भी मधु झरने लगा। फलों से लदी हुई वृक्षों की टहनियां प्रभु के चरणों में ऐसे झुक जाती थी जैसे बहुत दिनों के पश्चात अपने प्रिय बंधु से मिलने पर कोई व्यक्ति उसे बहुत प्रेम से उपहार प्रदान करता है। इस प्रकार द्वादश वनों का दर्शन कर श्रीमन महाप्रभु आरट ग्राम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने श्री राधा कुंड एवं श्री श्याम कुंड का प्रकाश कर उसमें स्नान किया तथा अपने साथ वहां की कुछ मिट्टी भी ले ली। वहां से प्रभु गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन का दर्शन कर प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और एक शिला को आलिंगन कर अपनी पूर्व लीलाओं का स्मरण करते हुए पागलों की भांति रोने लगे। उस रात वे श्री हरिदेव जी के मंदिर में रहे। रात को वे विचार करने लगे कि मैं गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा, अतः मुझे श्री मार्वेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा प्रतिष्ठित गोपाल जी की, जो कि गोवर्धन के ऊपर विराजमान हैं, उनका दर्शन कैसे होगा। महाप्रभु की इच्छा जानकर श्री गोपाल जी ने एक लीला की। गोवर्धन के निकट ही गाठोली नामक एक गांव है। वहां से कोई व्यक्ति ऊपर मंदिर में जाकर पुजारी से बोला कि कल मुसलमान आ जाएंगे, वे सभी पुजारियों को मार डालेंगे और ठाकुर जी को ले जाएंगे। यह सुनकर पुजारी भयभीत हो गए तथा श्री गोपाल जी को नीचे उसी गांव में छिपाकर भाग गए। जब महाप्रभु को पता चला कि गोपाल जी नीचे आ गए हैं, तब उन्होंने आनंद पूर्वक गोपाल जी का दर्शन किया। दूसरे दिन मानसी गंगा में स्नान कर प्रभु ने सनोड़िया ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य एवं उनके सेवक के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की और मार्ग में श्री गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, उद्धव कुंड आदि का
दर्शन किया। तत्पश्चात प्रभु ने काम्यवन, नंदगांव और बरसाना आदि का भी दर्शन किया। वहीं से वे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने सभी लीला स्थलियों का दर्शन किया। वृंदावन में प्रभु अक्रूर घाट पर रहते थे, परंतु प्रातःकाल वृंदावन में यमुना के तट पर स्थित इमली तला नामक स्थान पर आ जाते थे, क्योंकि अक्रूर घाट पर प्रभु के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे उनकी नाम संख्या पूर्ण नहीं हो पाती थी। दोपहर तक निर्जन में हरिनाम की संख्या पूर्ण कर प्रभु पुनः अक्रूर घाट लौट आते तथा वहां पर आने वाले लोगों को दर्शन देकर धन्य करते थे। पठानों पर कृपा। बलभद्र भट्टाचार्य लोगों की भीड़ से तंग आ चुके थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु कभी कभी आविष्ट होकर यमुना में छलांग लगा देते थे। उस समय वे बहुत कष्ट से प्रभु को बाहर निकालते थे। अतः वे विचार करने लगे कि यदि कभी प्रभु अकेले रहते समय आविष्ट होकर यमुना में छलांग लगा लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रभु को वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौटा ले जाने का विचार किया और प्रभु से वापस चलने की प्रार्थना की। यद्यपि प्रभु की वृंदावन छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, तथापि बलभद्र एवं उसके सेवक की प्रसन्नता के लिए प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार प्रभु उन दोनों के साथ वापस लौट चले। वापस जाते समय मार्ग में एक स्थान पर एक गोप बालक वंशी बजा रहा था। वंशी ध्वनि सुनते ही प्रभु मूर्छित हो गए और उनके मुख से झाग निकलने लगी। उसी समय कुछ पठान घुड़सवार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर सन्यासी बेहोश पड़ा है और उसके पास ही चार लोग बैठे हैं। यह देखकर उन पठानों ने समझा कि ये चारों डकैत हैं तथा इन्होंने इस सुंदर सन्यासी का धन हरण करने के लिए इसे विष खिला दिया है, इसलिए इसके मुख से झाग निकल रहा है। उन्होंने इन चारों को बांध दिया और तलवार से काटने को तैयार हो गए। इससे ये चारों भयभीत हो गए। उसी समय प्रभु की मूर्छा भंग हो गई और वे हरी हरी कहते हुए उठ बैठे। यह देखकर उन पठानों के सरदार ने प्रभु से कहा कि इन लुटेरों ने आपको विष दे दिया था। प्रभु बोले, ये लुटेरे नहीं बल्कि मेरे साथ ही हैं। मुझे मिर्गी का रोग है, इसलिए मैं बेहोश हो गया था और मेरे मुख से झाग निकल रहा था। महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन कर सभी पठान मोहित हो गए थे। उनमें एक मौलाना मुसलमान पंडित था, अतः उसने अपने कुरान शास्त्र के अनुसार प्रभु के साथ विचार विमर्श आरंभ करते हुए निराकार ब्रह्म की स्थापना की, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने उसके विचार का खंडन कर दिया। इस प्रकार वह जो जो युक्तियां देता प्रभु उन्हीं का खंडन कर देते। इस प्रकार अंत में उनका मुंह बंद हो गया और वह कहने लगे, हे सन्यासी महाशय, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप स्वयं खुदा हैं, अतः मुझ अधम पर कृपा कीजिए। कृष्ण कृष्ण कहकर वह प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु बोले, उठो उठो, तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम निकला है, अतः तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। आज से तुम्हारा नाम रामदास हो गया। उनमें ही एक कम उम्र का पठान भी था। उसका नाम बिजली खान था। वह राजकुमार था और सभी पठान उसके सेवक थे। वह भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उन सब पर कृपा कर प्रभु आगे बढ़ चले। इस प्रकार प्रभु का दर्शन कर उन सब का चित बदल गया। अब वे सभी पठान वैरागी हो गए थे। श्री रू शिक्षा। जब श्रीमन महाप्रभु वापस प्रयाग में पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री रूप गोस्वामी से हुई। जगन्नाथपुरी से वृंदावन आते समय श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जब रामकेली नामक स्थान पर पहुंचे, तब वहां पर श्री रूप अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन के साथ महाप्रभु से मिले थे। वे दोनों वहां के बादशाह हुसैन शाह के क्रमशः वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री थे। प्रभु ने इन्हें आदेश दिया था कि अतिशीघ्र ही विषयों को त्याग कर मेरे पास आओ, परंतु
बादशाह इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था, अतः ये दोनों चतुरता पूर्वक वहां से निकल आए। पहले श्री रूप गोस्वामी आकर प्रयाग में प्रभु से मिले। उन्हें देखकर प्रभु को बहुत आनंद हुआ। 10 दिन प्रयाग में रहकर श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप को भक्ति रस तत्व की शिक्षा दी, जिसको श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव और ललित माधव आदि ग्रंथों में गागर में सागर की भांति भर दिया है। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, हे रूप, सभी जीव अपने कर्म फल के अनुसार अनादि काल से इस ब्रह्मांड में उच्च नीच योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। उनमें से किसी सौभाग्यवान को भक्ति उन्मुखी सुकृति के प्रभाव से साधु संग प्राप्त होता है। ज्ञात अथवा ध्यात में भी यदि कोई किसी भी प्रकार से भक्ति के 64 अंगों में से किसी एक अंग का भी पालन कर लेता है, तो उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हो जाती है, अर्थात उसके प्रभाव से वह भक्ति के उन्मुख हो जाता है। तत्पश्चात साधु संग में गुरु की महिमा जानकर गुरु एवं कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज अर्थात श्रद्धा प्राप्त करता है। उस बीज को प्राप्त कर वह उसे हृदय रूपी खेत में रोप देता है तथा उसमें श्रवण कीर्तन रूपी खाद जल प्रदान करता है, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण आदि का श्रवण तथा कीर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप बीज अंकुरित होकर भक्ति लता के रूप में परिणित हो जाता है। वह भक्ति लता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद कर विरजा एवं ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को भी भेद कर क्रमशः वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है। वहां से वह गोलोक वृंदावन में पहुंचकर कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है। कृष्ण के चरणों में आरूढ़ होते ही उस भक्ति लता में प्रेम फल प्रकट हो जाता है। अभी तक माली अर्थात श्रद्धावान भक्त जिसने भक्ति लता बीज को अपने हृदय क्षेत्र में बोया है को उस लता को श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जल सिंचन के अतिरिक्त माली का एक और भी कार्य होता है। जब लता बढ़ने लगती है तो उस समय उसे लता के चारों ओर कांटों की बाड़ लगानी पड़ती है, जिससे कि कोई जंतु जानवर आकर उसे खाना जाए। वैष्णव अपराध ही दुष्ट जंतु जानवरों के समान है। वैष्णव अपराध पागल हाथी की भांति होता है, जो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ऐसे समय में एक अन्य बाधा भी लता को बढ़ने से रोकती है, अर्थात जब लता बढ़ने लगती है तो उस समय यदि लता में उपशाखाएं अधिक हो जाएं, तो लता अच्छी प्रकार से बढ़ नहीं पाती। जल खाद आदि पाकर उपशाखाएं तो तेजी से बढ़ने लगती हैं, परंतु मूल लता का बढ़ना बंद हो जाता है। भुक्ति अर्थात भोगों की इच्छा, मुक्ति इच्छा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, जीव हिंसा, मान सम्मान की प्रबल इच्छा आदि ही भक्ति लता में उपशाखाएं हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह श्रवण कीर्तन रूपी जल सिंचन के समय ही इन सब उपशाखाओं को काट डाले, तभी मूल भक्ति लता तीव्रता से बढ़ते हुए वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच सकती है तथा उसमें प्रेम फल लग सकता है। यह प्रेम ही जीवों के लिए परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ ही कृष्ण प्रेम के समक्ष तृण के समान हैं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने लुप्त लीला स्थलियों को प्रकाशित करने का आदेश देकर उन्हें वृंदावन भेज दिया तथा स्वयं पुनः काशी में चंद्रशेखर वैद्य के घर पर उपस्थित हुए। श्री सनातन शिक्षा। श्री सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के कारागार से चतुरता पूर्वक निकल आए तथा चलते चलते प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा से जब काशी में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि प्रभु इस समय काशी में ही चंद्रशेखर के गृह में विराजमान हैं। यह सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। लोगों से पूछते पूछते वे चंद्रशेखर के घर में पहुंचे। उन्हें देखकर प्रभु के आनंद की सीमा न रही। प्रभु ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के कारण सनातन गोस्वामी का वेश अस्त व्यस्त हो गया था।
प्रभु ने चंद्रशेखर को उनका संस्कार करने का आदेश दिया। चंद्रशेखर ने उन्हें मुंडन आदि कराया तथा गंगा में स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र देने चाहे, परंतु सनातन गोस्वामी ने उन्हें लेने से मना कर दिया तथा बोले, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपना व्यवहार किया हुआ कोई पुराना वस्त्र दे दीजिए। तब चंद्रशेखर ने उन्हें एक पुरानी धोती प्रदान की। श्री सनातन ने उसे स्वीकार कर लिया। उनके पास एक बहुत बहुमूल्य कंबल था। जब जब वे प्रभु से मिलते थे, प्रभु बार बार उस कंबल की ओर ताकते रहते थे। बुद्धिमान श्री सनातन गोस्वामी समझ गए कि प्रभु को ये कंबल पसंद नहीं है। अतः वे गंगा किनारे गए और देखा कि वहां पर एक भिखारी ने अपनी फटी पुरानी गुदड़ी सुखाने डाली हुई थी। सनातन गोस्वामी ने उसे अपना कंबल दे दिया तथा उसकी गुदड़ी ले ली। जब वे उस गुदड़ी को उड़कर प्रभु के पास आए तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु कहने लगे, सनातन, अब कृष्ण ने तुम्हारे अंतिम विषय रोग को भी नष्ट कर दिया है। तब श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु से प्रश्न किए तथा महाप्रभु ने उन्हें जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, वैधि और रागनु का भक्ति आदि की शिक्षा प्रदान की, जिसे श्री सनातन गोस्वामी ने अपने श्रीमद् भागवत की टीका, श्री बृहद भागवतामृत आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया है। श्री सनातन को शिक्षा प्रदान कर प्रभु ने उन्हें भी वृंदावन के लुप्त लीला स्थलियों और भक्ति ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए वृंदावन भेज दिया। प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार। काशी में सभी मायावादी जहां तहां प्रभु की निंदा कर रहे थे, जिससे तपन मिश्र, चंद्रशेखर और वह विप्र जो श्रीमन महाप्रभु का दर्शन कर प्रभु का भक्त बन चुका था, बहुत दुखी होते थे। उस विप्र ने विचार किया कि प्रभु तो स्वयं भगवान हैं। यदि एक बार वे सब मायावादी सन्यासी प्रभु का दर्शन करें तो अवश्य ही वे सभी भक्त हो जाएंगे। अतः उन सन्यासियों को प्रभु ने मिलाने के लिए उनसे एक योजना बनाई। उसने सभी मायावादी सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया। तत्पश्चात वे प्रभु के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैंने कल समस्त सन्यासियों को आमंत्रित किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप भी कृपा पूर्वक कल मेरे घर में पधारें। अंतर्यामी महाप्रभु उनके हृदय की बात जान गए कि यह सन्यासियों का उद्धार चाहता है। अतः भक्तवत्सल प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब महाप्रभु उसके घर पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले से ही सन्यासियों को बैठे हुए देखा। प्रभु सभी को प्रणाम कर अपने चरण धोने के लिए गए। चरणों को धोने के बाद वे उसी अपवित्र स्थान पर ही बैठ गए। उस समय श्री महाप्रभु ने अपने कुछ ऐश्वर्य प्रकाशित किया। प्रभु के शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था। प्रभु का दर्शन कर सभी सन्यासी मोहित हो गए तथा सभी अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। उन सन्यासियों का गुरु प्रकाशानंद आदर पूर्वक बोला, हे श्रीपाद, आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? कृपा पूर्वक यहाँ आकर आसन पर विराजिए। प्रभु बोले, मैं एक निम्न संप्रदाय का सन्यासी हूँ, अतः आप जैसे श्रेष्ठ सन्यासियों के बीच बैठने योग्य नहीं हूँ। यह सुनकर प्रकाशानंद स्वयं महाप्रभु के पास गया और सम्मान पूर्वक उनका हाथ पकड़कर उन्हें सभा के बीच एक उत्तम आसन पर बैठाया। तब वह पूछने लगा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप एक सांप्रदायिक सन्यासी केशव भारती के शिष्य हैं, फिर क्या कारण है कि आप यहाँ पर रहते हुए भी हम लोगों से मिलने नहीं आते? इसके अतिरिक्त आप एक सन्यासी होकर कुछ भावुकों के साथ मिलकर नृत्य एवं कीर्तन क्यों करते हैं? यह तो सन्यासी का धर्म नहीं है। सन्यासी को तो गंभीर होना चाहिए। उसे सदा सर्वदा वेदांत अध्ययन और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात नारायण ही हैं। फिर आप ऐसा घृणित कार्य क्यों करते हैं? यह सुनकर महाप्रभु कहने लगे, हे श्रीपाद, मेरे श्री गुरुदेव ने मुझे मूर्ख जानकर ये आदेश दिया है कि वेदांत अध्ययन
में तुम्हारा अधिकार नहीं। अतः तुम सदा सर्वदा समस्त मंत्रों के सार कृष्ण मंत्र का जप करो। इस मंत्र से तुम्हारा संसार बंधन नष्ट हो जाएगा तथा कृष्ण नाम के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करोगे। इस कलयुग में केवल कृष्ण नाम के द्वारा ही किसी का उद्धार हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे एक श्लोक स्मरण करवाया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री बृहत नारदीय पुराण 38.126। कलयुग में केवल हरिनाम हरिनाम एवं हरिनाम के द्वारा ही सदगति हो सकती है। हरिनाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से सदगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुरुदेव का आदेश पाकर मैं निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करने लगा। परंतु आश्चर्य की बात है कि कृष्ण नाम कीर्तन करते करते कुछ दिनों में ही मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं अधीर होकर पागलों की भांति कभी नृत्य करने लगा, कभी रोने लगा तो कभी गाने लगा। इससे मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि इस कृष्ण नाम ने मेरा ज्ञान नष्ट कर दिया और मुझे पागल कर दिया है। अतः मैं गुरुदेव के पास गया और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। मेरी अवस्था को सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का यही फल है कि जो इसका कीर्तन करता है उसकी श्री कृष्ण के श्री चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण प्रेम ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का शिरोमणि है। समस्त शास्त्र ही घोषणा कर रहे हैं कि कृष्ण नाम का फल कृष्ण प्रेम है। तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो गया है। कृष्ण प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है कि वह जिसके हृदय में उदित हो जाता है तो वह भक्त कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है तो कभी नाचते हुए पागलों की भांति इधर उधर दौड़ने लगता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई है। तुम्हारी ऐसी अपूर्व अवस्था से मैं भी कृतार्थ हो गया। अब तुम भक्तों के साथ नाचो गाओ कीर्तन करो और लोगों को कृष्ण नाम कीर्तन का उपदेश प्रदान करके उनका भी उद्धार करो। तब से मैं अपने श्री गुरुदेव की इच्छा अनुसार कृष्ण कीर्तन करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से नृत्य कीर्तन आदि नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब प्रभाव हरे कृष्ण महामंत्र का ही है। प्रभु के अत्यंत सुमधुर वचनों को सुनकर सन्यासियों का हृदय बदल गया। वे नम्रता एवं आदर पूर्वक प्रभु से बोले, आप सत्य कह रहे हैं। कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य के फल से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आप कृष्ण भक्ति करते हैं ये तो ठीक है, परंतु आप वेदांत क्यों नहीं सुनते, इसमें क्या दोष है? यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, यदि आप दुखी ना हो तो मैं कुछ कहूं। सन्यासी बोले, आपका दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात नारायण हैं। आपकी सुंदरता को देखकर एवं मधुर वाणी का श्रवण कर हमारा मन ही नहीं भर रहा है। आपके दर्शन से हम सभी आनंदित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो कुछ भी कहेंगे शास्त्र के अनुसार ही कहेंगे। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, भगवान श्री नारायण ने ही वेद व्यास के रूप में अवतीर्ण होकर वेदांत सूत्र की रचना की है। भगवान में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और करुणा पाटव ये चार दोष नहीं हैं। वेदांत सूत्र में भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है, अर्थात उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला एवं परिकरों की नित्यता के विषय में ही वर्णन किया गया है। परंतु श्री शंकराचार्य ने उन सूत्रों का गौण अर्थ कर शंकर भाष्य की रचना की। यद्यपि परम वैष्णव होने के कारण वे ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान का आदेश पालन करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम एक असत शास्त्र की रचना कर मुझे ढक दो, इसके फलस्वरूप मुक्तिकामी लोग मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरे प्रिय भक्त सहज ही मेरा भजन कर पाएंगे। भगवान के इसी आदेश का पालन करने के लिए श्री शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में भगवान के नाम रूप गुण लीला
एवं उनके परिकरों को माइक अर्थात अनित्य कहकर वर्णन किया। इस प्रकार उन्होंने वेदांत सूत्र के मुख्य अर्थ को छिपाकर गौण अर्थ किया है। उन्होंने जीव की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया। उनका मत है कि ब्रह्म एक है तथा निराकार है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब वह निराकार ब्रह्म माया से आच्छादित हो जाता है तो उस समय वह असंख्य जीवों के रूप में दिखलाई देता है। पुनः माया से मुक्त होने पर वह जीव पुनः निराकार ब्रह्म में मिलकर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य 100 जल से भरे हुए पात्रों में प्रतिबिंबित होकर 100 रूपों में दिखाई देता है, परंतु सभी पात्रों के नष्ट हो जाने पर केवल एक ही सूर्य रह जाता है, जीव तभी तक है जब तक माया के अधीन है। माया मुक्त होते ही जीव निराकार ब्रह्म से उसी प्रकार मिलकर एक हो जाते हैं जिस प्रकार एक मिट्टी के घड़े के अंदर का आकाश घड़े के फूट जाने पर बाह्य महाकाश में मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार शिव जी को ही संहार करते हैं। उन्होंने ही भगवान की इच्छा से ऐसे महाविनाशक कुमत का प्रचार किया। जो शंकर भाष्य को स्वीकार करता है उसका विनाश निश्चित है। वास्तव में भगवान अग्नि के समान है तथा जीव अग्नि से निकलने वाली चिंगारियों के समान है। भगवान एवं जीव में अंशी अंश का संबंध है। भगवान अंशी हैं, जीव उनका अंश है। जिस प्रकार चिंगारियां अग्नि से निकलती हैं, उसी प्रकार अनंत जीव भगवान से प्रकट होते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए ही व्यास देव ने परिणामवाद की स्थापना की है। एक सत्य वस्तु से दूसरी सत्य वस्तु के उत्पन्न होने पर उसे पहली वस्तु का परिणाम या विकार कहते हैं। जैसे दूध में जाम या थोड़ा दही डाल देने पर दूध दही हो जाता है, उसी समय उसके प्रति दूध की नहीं बल्कि दूध से भिन्न एक अलग वस्तु दही की बुद्धि होती है। यही परिणाम या विकार है। अर्थात ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, उससे जीव एवं जगत ये सत्य वस्तु उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीव एवं जगत को भगवान का परिणाम कहा जाता है। श्री शंकराचार्य ने विचार किया कि ब्रह्म तो निर्विकारी है, अतः यदि जीव एवं जगत को उनका परिणाम मान लेंगे तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। परंतु उनका ये विचार सर्वथा निराधार है, क्योंकि परिणामवाद को स्वीकार करने पर भी ब्रह्म का निर्विकारत्व नष्ट नहीं होता। इस जड़ जगत में ही कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे बहुत कुछ उत्पन्न होने पर भी वह वस्तु अपने स्वरूप में स्थित रहती है। जैसे चिंतामणि से रत्नों का ढेर उत्पन्न होने पर भी चिंतामणि में कोई विकार नहीं आता, वह जैसी की तैसी ही रहती है। एक मकड़ी अपने मुख से लार निकालकर विशाल जाल का निर्माण करती है, फिर भी उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता, अर्थात वह कमजोर या छोटी नहीं हो जाती। जब एक जड़ वस्तु की ऐसी अचिंत्य या अद्भुत शक्ति है, तब यदि भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही अपनी अचिंत शक्ति से अनंत जीवों एवं अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु इस तत्व को ना जानकर ही परिणामवाद को स्वीकार करने पर ब्रह्म विकारी हो जाता है। इस भय से श्री शंकराचार्य ने विवर्तवाद की स्थापना की। अज्ञानवशतः एक वस्तु के प्रति अन्य वस्तु की बुद्धि को विवर्त कहते हैं। जैसे अंधकार में मार्ग में पड़ी हुई रस्सी के प्रति सर्प में बुद्धि हो जाती है, यहाँ पर वास्तव में रस्सी सर्प नहीं है, अंधकार के कारण सर्प जैसी दिखाई पड़ रही है, परंतु प्रकाश होने पर हमारा भ्रम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही निराकार ब्रह्म के प्रति जीव बुद्धि हो रही है, यही विवर्त है। ज्ञान हो जाने पर हमारा ये भ्रम दूर हो जाता है। उस समय एक ही बुद्धि रहती है कि ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, जीव और जगत नहीं। वास्तव में मांडुक्य आदि उपनिषदों में जिस विवर्तवाद का उल्लेख पाया जाता है वह इस जड़ शरीर के प्रति आत्मबुद्धि के विषय में है। अर्थात जड़ शरीर में आबद्ध होने के कारण जीव इस जड़ शरीर को आत्मा मानता है, जो कि सत्य नहीं है। अज्ञानता के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान हो जाने पर उसकी ऐसी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय
वह जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मोहित करने के लिए ही श्री शंकराचार्य ने सूत्रों का स्वाभाविक अर्थ ना कर गौण अर्थ कर कुसिद्धांतों की स्थापना की है। यह सुनकर सभी मायावादी सन्यासी विस्मित हो गए। अब वे कहने लगे, हे श्रीपाद, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। हम भी जानते हैं कि श्री शंकराचार्य ने जो कुछ कहा वह गलत है, परंतु अपने संप्रदाय के प्रति प्रीति भाव होने के कारण ही हम उनके विचार को स्वीकार करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप कृपा पूर्वक वेदांत सूत्रों का मुख्य अर्थ हमें सुनाएं। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, बृहद अरण्यक उपनिषद में 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य से युक्त पूर्ण तत्व को बृहद वस्तु कहा गया है। पुराणों में भगवान के ये 6 लक्षण बतलाए गए हैं। अतः शास्त्रों में जहां पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग है वहां भगवान को ही समझना चाहिए। इस प्रकार समस्त वेदों के अनुसार भगवान श्री सच्चिदानंदमय वस्तु हैं तथा संबंध तत्व हैं। निर्विशेषता उनका एक गुण मात्र है, किंतु भगवान निर्विशेष नहीं है अपितु सविशेष हैं। उन्हें निर्विशेष मानने का अर्थ है भगवान की इच्छित शक्ति को ही ना मानना। भगवान की शक्ति को ना मानने पर भगवान को पूर्ण रूप से मानना नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन आदि जिस साधन भक्ति का अवलंबन किया जाता है उसे अभिधेय कहते हैं। इस अभिधेय या साधन भक्ति का पालन करने पर ही साधक के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम से ही श्री कृष्ण अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं और भक्त भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त कर सकता है। ये प्रेम ही प्रयोजन है। इस प्रकार सभी सूत्रों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इन 3 तत्वों का ही वर्णन है। मैं कौन हूँ, ये जड़ जगत क्या है, भगवान क्या है, हमारा परस्पर क्या संबंध है, इन 4 प्रश्नों का उत्तर जान लेने पर ही संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान उदित होने पर जीवों का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जान लेने पर उस कर्तव्य के पालन को ही शास्त्रों में अभिधेय कहा गया है तथा उन कर्तव्यों को पालन करने से जो फल प्राप्त होता है उसी का नाम प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभु के इन सिद्धांतपूर्ण वचनों को श्रवण कर सभी सन्यासी संतुष्ट हो गए और वे हाथ पकड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, आप साक्षात श्री नारायण हैं। हमने पहले आपकी निंदा करके आपके श्री चरणों में जो अपराध किया है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वे सभी मिलकर कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। प्रभु ने भी सभी के अपराधों को क्षमा कर उन पर कृपा की। तब सभी सन्यासियों ने श्रीमन महाप्रभु को अपने बीच में बैठाकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रभु अपने वास स्थान पर आ गए। चंद्रशेखर के घर आकर प्रभु हंसते हुए कहने लगे, मैं काशी में अमूल्य कृष्ण नाम रूपी रत्न बेचने के लिए आया था, परंतु यहाँ मुझे कोई खरीदार नहीं मिला। अतः मैंने विचार किया कि मैं इन रत्नों को वापस ले जाऊं तो मुझे पुनः बोझा ढोना पड़ेगा। ऐसा जानकर आप लोगों का मन दुखी होगा, अतः आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ही मैंने नाम प्रेम का भंडार निःशुल्क में ही लुटा दिया। वैराग्य की शिक्षा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु काशी के मायावादियों का उद्धार करने के उपरांत वापस नीलाचल लौट गए। प्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और 48 वर्ष की आयु में अपनी प्रकट लीला को संवरण कर लिया। संन्यास वेश ग्रहण करने के पश्चात प्रभु ने पहले 6 वर्ष भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर लोगों का उद्धार किया। बाकी 18 वर्ष उन्होंने नीलाचल में ही रहकर अनेकों लीलाएं की। उनका आचरण अत्यंत कठोर था। वे बहुत ही त्याग एवं वैराग्य पूर्वक रहते थे। किसी भी मौसम में वे दिन में 3 बार स्नान करते थे। वे भूमि पर शयन करते थे। जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु को इस प्रकार कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते देखकर भक्तों को बहुत दुख होता था। एक दिन जगदानंद पंडित जो कि द्वारका लीला में श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा के अवतार हैं,
वे बंगाल से बहुत सुशीतल चंदन का तेल लेकर आए। उन्होंने वह तेल प्रभु के सेवक गोविंद को दिया और कहा कि प्रभु के विश्राम के समय इसे उनके सर पर लगाना, इससे उन्हें अच्छी नींद आएगी। रात को जब प्रभु सोने लगे तब गोविंद प्रभु के सर में उस तेल को लगाने के लिए लाए। इस पर प्रभु ने तेल के विषय में पूछा। गोविंद ने सारी बात बतला दी। प्रभु बोले, जगदानंद ने इस तेल को लाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, अतः इसे जगन्नाथ देव के मंदिर में जगन्नाथ जी की आरती के लिए दे देना, इससे जगदानंद का परिश्रम सार्थक होगा। यह बात गोविंद ने जब जगदानंद को कही तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने वह तेल का घड़ा जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और अपने घर के भीतर जाकर चुपचाप बैठ गए। यह देखकर प्रभु समझ गए कि इन्हें मान हो गया है, अतः उन्होंने बहुत कष्ट से उन्हें मनाया। इसी प्रकार प्रभु केले के पेड़ के छिलके पर सोते थे और वे छिलके प्रभु के अति कोमल शरीर पर चुभते थे। यह देखकर सभी भक्तों को बहुत कष्ट होता था। एक दिन जगदानंद ने एक उपाय खोजा। उन्होंने प्रभु के एक बहुत पतले से गेरुए रंग के बहिर्वास के अंदर सेमल की रुई भरकर एक गद्दे जैसा बना दिया और वैसा ही एक तकिया बनाकर गोविंद को देते हुए बोले, इस गद्दे में प्रभु को सुलाना। प्रभु के शयन के समय स्वरूप दामोदर वहीं पर थे। उस गद्दे एवं तकिए को देखकर प्रभु क्रोधित हो गए। उन्होंने उस बिस्तर को दूर फेंक दिया तथा पुनः उसी केले के पेड़ के छिलकों पर ही सो गए। यह देखकर स्वरूप दामोदर ने एक उपाय किया। उन्होंने केले के सूखे हुए पत्तों को अपने नाखूनों से चीर चीर कर प्रभु के एक बहिर्वास्त्र बहिर्वास में भरकर उसे सिल दिया, जिससे वह एक गद्दा जैसा बन गया। वैसा ही एक उड़ने के लिए भी बनाया। सभी भक्तों के अति आग्रह से प्रभु ने उस पर सोना स्वीकार कर लिया, जिससे भक्तों को अपार आनंद हुआ। गंभीरा लीला। अब श्रीमन महाप्रभु ने भक्तों के साथ कीर्तन इत्यादि बंद कर दिया। वे सर्वदा गंभीरा में ही रहते थे। दिन में वे सबसे मिलते थे, अतः उनका विरह भाव कुछ शांत रहता था, परंतु रात्रि में एकांत तो होते ही प्रभु का विरह भाव चरम सीमा पर पहुंच जाता था। प्रभु विरहणी श्रीमती राधिका जी के भाव में आविष्ट होकर उसी प्रकार विलाप करते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर श्रीमती राधिका जी विलाप करती थी। उस समय उनके भावों के अनुरूप स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद, जो कि ललिता जी और विशाखा सखी के अवतार हैं, भागवत के श्लोकों की तथा विद्यापति एवं चंडीदास के पदों का गान कर प्रभु को सांत्वना प्रदान करते थे। दोनों बहुत कष्ट से प्रभु को सुलाकर देर रात में चले जाते थे। उनके जाने के बाद जब प्रभु की निद्रा टूट जाती थी तो कृष्ण विरह में कातर होकर वे गंभीरा की दीवार से अपना सर पटक पटक कर लहूलहान कर लेते थे। कभी कभी तो ऐसी अवस्था होती कि दरवाजे बंद हैं परंतु प्रभु घर के भीतर नहीं होते थे। यह देखकर सभी भक्तों का हृदय मानो फटने लग जाता। जब वे सभी प्रभु को खोजने निकलते तो देखते कि प्रभु मंदिर के बाहर मूर्छित पड़े हुए हैं। एक दिन तो आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद जी प्रभु को सुलाकर चले गए। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया कि प्रभु रात्रि में कहीं ना चले जाएं। जब प्रातःकाल होने को आया तो गोविंद ने विचार किया कि अंदर कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है। उन्होंने जैसा ही दरवाजा खोला तो पाया कि प्रभु भीतर नहीं है। यह देखकर उनके होश ही उड़ गए। वे दौड़ते दौड़ते स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी आदि भक्तों के पास गए तथा उन्हें ये बात बताई। यह सुनकर सभी भक्त लोग प्रभु को खोजने निकले, परंतु प्रभु का कुछ पता नहीं चला। अंत में स्वरूप दामोदर ने विचार किया कि अवश्य ही प्रभु ने नीले समुद्र को यमुना समझकर उसमें छलांग लगा ली होगी। अतः वे सभी भक्तों को साथ लेकर विलाप करते करते समुद्र के किनारे किनारे उन्हें खोजने लगे। उसी समय विपरीत दिशा से एक मछुआरा भूत भूत कहकर भागता हुआ आ रहा था। भक्त लोगों ने उससे पूछा तो वह बोला कि मैंने जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उसमें एक भूत फंस गया। मैंने मछली समझकर उसे बाहर निकाल लिया।
यह सुनते ही भक्त वृंद समझ गए कि वह भूत नहीं बल्कि हमारे प्राणनाथ ही हैं। अतः जब सभी लोग वहां पहुंचे तो आश्चर्य से उनका मुख खुला का खुला रह गया। प्रभु का शरीर सुकुड़ गया था, उनके हाथ पैर शरीर में घुस गए थे, उनका आकार एक कछुए जैसा हो गया था। यह देखकर भक्त लोग कीर्तन करने लगे। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में प्रभु का शरीर पहले जैसा हो गया और वे हरी हरी बोलते हुए उठ खड़े हुए और आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहने लगे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहा था। ऐसा कहकर जोर जोर से हा कृष्ण हा प्राणनाथ कहते हुए रोने लगे। इस प्रकार प्रभु ने गंभीरा में स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद के साथ श्री राधा जी के भावों का आस्वादन किया। इस जगत में 48 वर्ष तक रहकर श्रीमन महाप्रभु ने युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार कर संपूर्ण जगत को प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया तथा स्वयं वे जिस विशेष कारण से जगत में आए थे, राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए उनका आस्वादन कर अपने धाम पधार गए। श्री शचिनंदन गौर हरि की जय। श्री शचिनंदन गौर हरि की जय। श्री शचिनंदन गौर हरि की जय।